उत्तराखंड में NH-74 घोटाले की सीबीआई जांच होगी। सीबीआई ने मामले को टेकअप किया है। सीएम त्रिवेंद्र अब पूरे एनएच घोटाले की जांच करेंगे। सीबीआई करेगी परिवहन मंत्री गडकरी पर। सीएम त्रिवेंद्र भारी पड़े हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिखाया दम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की नहीं चली। अब पूरे एनएच घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। परिवहन मंत्री गडकरी पर सीएम त्रिवेंद्र भारी पड़े हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दम दिखाया अपना। तो एनएच घोटाले की जांच होगी कि तय हो गया है। उत्तराखंड में NH-74 घोटाले की सीबीआई जांच होने की बात सामने आई है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भारी पड़ गए सीएम त्रिवेंद्र रावत। अब पूरे एनएच घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। NH-74 घोटाले को लेकर विपक्ष भी आवाज बुलंद करता रहा है। परिवहन मंत्री गडकरी पर सीएम त्रिवेंद्र भारी पड़े हैं। और मुझे ये सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि NH-74 की जांच के लिए सीबीआई ने अपनी स्वीकृति दे दी है और वो फाइल सीबीआई से डीओपीटी को चली गई है। प्रशांत राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, तो ये मान लिया जाए कि राज्य सरकार अब किसी भी मामले में कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है, चाहे उसमें इंटरवीन फिर के केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर का भी क्यों ना हो। बिल्कुल घनश्याम, देखिए यही संदेश गया है। जिस तरीके से NH-74 मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी और उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का एक पत्र प्रदेश सरकार को आया था जिसमें NH-74 के अधिकारियों का नाम बाहर करने की बात कही गई थी, उस समय से लगातार ये मुद्दा उछल रहा था और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था। सदन में भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया कि कहीं सरकार इस मामले को टालने की कोशिश तो नहीं कर रही या लटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो ये एक स्पष्ट तौर पर संदेश गया है कि कहीं से सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं। और यही बात मुख्यमंत्री ने कही है कि अब जबकि सीबीआई ने मामले को टेकअप कर लिया है और इसकी जांच शुरू हो रही है तो इससे सरकार की क्या मंशा रही इस मामले पर, ये साफ हो गई है कि जो भी दोषी हैं उन्हें सामने लाया जाए, ये सरकार की मंशा रही है और यही सीबीआई जांच के बाद अब सामने आएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम त्रिवेंद्र ने अपना दम दिखाया। नितिन गडकरी के इंटरव्यू करने के बावजूद अब इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। और रुड़की में गंग नहर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ने एक बार फिर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। टीम ने प्रेमनगर में छापा मारा, मौके से दो महिलाओं समेत चार लोगों को अरेस्ट किया है। इस दौरान टीम ने एक युवती को भी डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। इसे सेक्स रैकेट की संचालिका नौकरी का झांसा देकर सहारनपुर से ले आई थी और जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला जा रहा था। पकड़ी गई सेक्स रैकेट की संचालिका बीजेपी नेता बताई जा रही है। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है जिससे सफेद पोशों के नाम और नंबर्स हैं। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो इस सेक्स रैकेट की संचालिका एक युवती को नौकरी के नाम पर ले आई थी। फिलहाल चार लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक महिला को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और इस ग्रुप की जो संचालिका है वो बीजेपी नेता बताई जा रही है और उसके पास जो डायरी मिली है उसमें कई सफेद पोशों के नाम और नंबर्स भी हैं। छापा मारा गया जिसमें दो महिलाओं और दो पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। उनके कब्जे से एक युवती बरामद की गई जिसने प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर यहां लाया गया था और उसका यौन शोषण किया जा रहा था, अनैतिक व्यापार कराया जा रहा था। तो हिरासत में ली गई एक युवती सहारनपुर की बताई जा रही जिसे नौकरी का झांसा देकर यहां लाया गया था और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस सेक्स रैकेट की जो संचालिका है उसके पास जो डायरी मिली है उसमें कई सफेद पोशों के नाम है और ये बहुत संभव है कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं। तो संचालिका समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। और
सेक्स सर्किट की संचालिका बीजेपी की नेता बताई जा रही है। कई सफेद पोस्ट लोगों से संबंध है उसके, डायरी में से कई लोगों के नंबर्स भी मिले हैं। आरिफ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ रुड़की से। आरिफ, कब से ये गोरख धंधा चल रहा था और जो महिला है बीजेपी की नेता, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए घनश्याम, जिस तरीके से रुड़की के प्रेम नगर में ये सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें दो महिलाएं समेत चार लोग इसमें पकड़े गए हैं, इसमें जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसमें एक महिला भी शामिल है जो सेक्स रैकेट को चला रही थी, वो बीजेपी की एक नेता है जो अक्सर यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यक्रमों में वो शामिल रहती है और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उसके संपर्क है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी की नेता पकड़ी गई है, तो पुलिस महकमा भी पूरी छानबीन कर रहा है। पुलिस को एक मौके से एक डायरी भी मिली है जिसमें कुछ सफेदपोश के जो नंबर भी है उनके नाम भी है। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है घनश्याम कि जिस तरीके से एक युवती को, सहारनपुर की रहने वाली एक युवती थी जिसकी नौकरी के दिलाने के नाम पर ये सेक्स रैकेट में उसको लाया गया था, उसको जबरदस्ती इस धंधे में लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिक जो पुलिस फोर्सेस के जो लोग थे उन्होंने इस पर छापा मारा और यहाँ पे जो पकड़े गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी की नेता है वो सामने आ रहा है। जी शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। और सदन में सरकार को घेर रहा विपक्ष अब अपनी अंदरूनी खींचतान में उलझ गया है। इससे सदन में फजीहत झेल रहे मंत्रियों को राहत मिलती नजर आ रही है। सदन में किरकिरी झेल चुके सरकार के मंत्री अब विपक्ष की कमजोरी पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस का सरकार घेरो प्लान हुआ फेल, अंदरूनी खींचतान ने हसरतों की निकाली हवा। किरकिरी झेल रहे मंत्री अब दिख रहे एकदम फूल। बजट सत्र के शुरुआती दिन में तो विपक्ष ने सरकार की ऐसी घेराबंदी की, इतने सवाल उठाए कि बगैर तैयारी के आए मंत्री बगले झांकते नजर आए। लेकिन अब नजारा बदला सा है। सरकार को घेरते घेरते विपक्षी कांग्रेस की वही कमजोरी सतह पर आ गई, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी। जी हाँ, वो है गुटबाजी। हालांकि कांग्रेस विधायकों की तादाद इतनी नहीं है कि वो गुटबाजी कर सके, इसलिए वो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। सदन में उठाए जाने वाले सवालों पर आपस में मंत्रणा के बजाय कांग्रेस विधायक अपने अकेले दम पर मुद्दे उठाने की कोशिश में हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही तो एक दूसरे को कोस रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने नियम 58 के तहत एक मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपने ही विधायक के जवाबी हमले से असहज नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने बचाव करती रही। हमने कहीं न कहीं जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तो हमने उसका विरोध किया था, किसी दूसरे का समर्थन किया, तो मुझे लगता है कि मेरा लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे इस बात की चिंता नहीं। आप ऐसे विवादित प्रश्नों पर मत पड़िए। पांच कार्यस्थगन प्रस्ताव लेने होते हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते स्पीकर से या सरकार से कि आप 10 ले लीजिए। विपक्ष की इस फूट और कमजोर तैयारी पर अब सत्ताधारी बीजेपी चुटकी ले रही है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अब आज की तारीख में पार्टी नहीं रह गई है, वो कुछ इंडिविजुअल्स है जो कुछ मजबूरियों के चलते साथ बैठ रहे हैं। दे आर नो मोर अ पार्टी। तो साफ है कांग्रेस का सदन में आगाज जितना दमदार था, अंजाम उतना ही डगमगाया सा नजर आ रहा है। अपनी कमजोरी छोड़ नहीं पा रहे हैं कांग्रेसी और रणनीति की हवा निकल रही है। कई बार सत्ता की अपनी तैयारी भले ही पुख्ता ना हो, लेकिन विपक्ष की कमजोरी उसे राहत दे देती है। विधानसभा सत्र के दौरान सवालों से घिरी हुई सूबे की सरकार को बिखरा हुआ विपक्ष ऐसी ही राहत देता नजर आ रहा है। कैमरामैन पवन के साथ में प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और कांग्रेस संगठन इन दिनों संगठनात्मक चुनाव में जुटा है। सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है और अब जिलों और ब्लॉक से सदस्यता अभियान की किताबों को इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस संगठन के नेताओं के अनुसार जिस तरह से सदस्यता अभियान में लोगों का रुझान रहा है, उससे टारगेट पूरा करने की स्थिति में कांग्रेस होगी। वहीं उनके अनुसार चुनाव गतिमान है और जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। हमारी 15 मई तक पूरे प्रदेश के
जो हमारे 225 संगठन के ब्लॉक हैं उनमें जो सदस्यता निकल कर के आई है, जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उसकी सूचना प्राप्त हो रही है। अब तक लगभग 12,000 किताबें जमा हो चुकी हैं और उसमें मतदान केंद्र कितने हुए उसका आंकड़ा निकाला जा रहा है। और विपक्ष सदन में सरकार को बिजली के बड़े दामों पर घेर रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जहां सफाई दी वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। प्रकाश पंत ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रम की स्थिति फैला रहा है। उनके अनुसार बिजली की दरें मात्र 17 पैसे ही बढ़ी हैं, जबकि विपक्ष 150% बढ़ोतरी बता रहा है, जो गलत है। जिस तरह से उन्होंने महिमामंडित करके इसको प्रस्तुत किया, जबकि सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई से परे है। मात्र 17 पैसा वृद्धि हुई है और ये भी विद्युत नियामक आयोग की संस्तुतियों के आधार पर हुई है। और 17 पैसा वृद्धि को उन्होंने 150% वृद्धि दिखा दिया, जो उचित नहीं था। और इसी का हमने सदन के अंदर संज्ञान लिया और उनको उनकी बात का स्पष्टीकरण। त्रिवेंद्र सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी में है, लेकिन सीएम और हाईकमान से कि आगे मुश्किल यह है कि विधायकों की फौज ज्यादा लंबी है और कुर्सियां हैं सिर्फ 2, जिसे मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती है। मंत्री पद के लिए महामंथन शुरू, मंत्री की कुर्सी पर किसका होगा कब्जा, 100 दिन का जश्न किसके लिए होगा डबल धमाल। त्रिवेंद्र रावत सरकार को 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार जहां 100 दिन पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मंत्रिमंडल में भी विस्तार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। सूत्रों की माने तो अमित शाह इस बाबत सीएम त्रिवेंद्र से मुलाकात कर चुके हैं और निर्देश भी दे चुके हैं। लिहाजा चर्चा है कि सरकार के 100 दिन पूरा होने से पहले ही नए मंत्री शपथ ले लें। हालांकि ये राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि मंत्री की कुर्सी मात्र 2 है और दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। वहीं संभावना ये है कि एक मंत्री गढ़वाल से होगा तो दूसरा कुमाऊं से। ऐसे में गढ़वाल मंडल से जहां मुन्ना सिंह चौहान, गणेश जोशी, हरवंश कपूर जैसे नेता दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुमाऊं मंडल से विशन सिंह चौफाल, वंशीधर भगत, पुष्कर सिंह धामी, सुरेंद्र सिंह जीना जैसे विधायक दावेदारी में जुटे हैं। 2 विधायकों को मंत्री की कुर्सी देने के बाद असंतोष न पनपे, इसके लिए भी सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। सरकार ने कई ऐसे आयोगों, परिषदों और समितियों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें विधायकों को सम्मानित ढंग से एडजस्ट किया जा सके। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी को तय करना है, भाई किसको नंबर कब बनाना है, क्या बनाना है, ये उन पर सरकार पर निर्भर है। तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उनको अपने कैबिनेट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, उनके कैबिनेट के सहयोगी कौन होंगे, और उसके बाद यदि किसी का उसमें मार्गदर्शन का अधिकार है तो पार्टी के लीडरशिप का है। एक तरफ विधायक मंत्री बनने को आतुर हैं, तो वहीं सरकार और संगठन के लोग भी संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार कर लिया जाएगा। देखिए, शीघ्र ही निर्णय लेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन प्रकरण है और सरकार में उनको सहयोगियों की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर वो 2 नए मंत्रियों का स्थान भरने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। निकट भविष्य में कभी भी मंत्रीगणों की घोषणा या मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है उसका विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी में मंत्रिमंडल को लेकर चल रही खींचातान पर कांग्रेसी चुटकी लेने में जुटे हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को फ्रीली काम करने की छूट नहीं हो रही है और वो जो चाहे, जैसा हमको उम्मीद थी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस तरीके से काम करते वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दावेदारों के दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। देखना होगा कि मंत्री की कुर्सी पर कौन कब्जा कर पाता है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटों ने भाजपा विधायकों के सपनों को पंख लगाना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक विधायक गढ़वाल से और एक विधायक कुमाऊं से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून, समाचार प्लस।
और देहरादून से आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये लोकायुक्त विधेयक स्थानांतरण कानून सदन में हो सकता है पेश। गुरुवार को सदन में पेश किया जा सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। प्रवर समिति की आज अंतिम बैठक हुई, सभी सदस्यों ने कर दिए प्रत्यावेदन पर हस्ताक्षर। इसी सत्र में एक्ट को पास कराने की सरकार की होगी मंशा। तो गुरुवार को सदन में पेश हो सकता है, आपको बता दें प्रवर समिति की आज अंतिम बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। सभी सदस्यों ने प्रत्यावेदन पर हस्ताक्षर भी कर दिए और गुरुवार को पेश हो सकता है। तो इसी सत्र में एक्ट को पास कराने की सरकार कोशिश करेगी। और देहरादून नगर निगम की होर्डिंग पॉलिसी के बाद लाए जा रहे टेंडर्स में डबल झटका लगा है। आपको बता दें हाईकोर्ट से टेंडर खोलने में लगी रोक के अलावा निगम को महज एक ही टेंडर प्राप्त हुआ है। समाचार प्लस इस पर पहले ही दिन से कई सवाल खड़े कर रहा था। स्थानीय लोगों को किनारे करते हुए ऑल इंडिया स्तर पर होर्डिंग कारोबारियों को तलब किया गया था टेंडर की कीमत बढ़ाने के साथ ही ठेका 2 साल के लिए देने की योजना पर काम चल रहा था। मेयर का कहना है कि ये सब शिकायतों के आधार पर हुआ है, अब निगम ई टेंडरिंग की ओर बढ़ रहा है। शिकायतों के आधार पर सब चल रहा है और कल हमने इसके टेंडर कॉल किए थे और हमने पहली बार जो हमारे यहाँ पंजीकृत ठेकेदार उनसे बाहर निकलकर टेंडर किए और ऑल इंडिया लेवल पर इसका प्रचार किया ताकि इसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां आ सकें और यहाँ रेवेन्यू मिल सके नगर निगम को। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन पर बोलते हुए साफ कहा कि प्रदेश सरकार खनन को लेकर नई पारदर्शी नीति लाएगी और जो पूरी तरह से माफिया मुक्त होगी। साथ ही खनन से राज्य को राजस्व मिल सकेगा और लोगों को खनन सामग्री नियंत्रित मूल्य पर मिल सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जबकि किसान कर्ज माफी से साफ इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों पर 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसे माफ करवाना संभव नहीं है। सबको कोर्स में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इन्होंने 6 प्रांत लिए हैं भी और वैसे पूरे देश में काम कर रहे हैं। बेनिफिशियरी किस तरह होंगे? निश्चित रूप से उपयोगी होंगे, पर मैंने थोड़ा सा आज एक सजेशन दिया है। और राज्य के एसडीआरएफ टीम के खाते में एक बड़ी सफलता लगी है। एसडीआरएफ ने कड़ी मेहनत करते हुए सतोपंत ट्रैक को पूरा करते हुए आरोहण कर लिया। 10 जून 2017 को एसडीआरएफ के एडिशनल एसपी नवनीत सिंह ने टीम को लीड किया था। 7,075 मीटर की ऊंचाई वाले सतोपंत पर्वत को फतेह कर टीम ने कठिन चढ़ाई को पूरा किया। इससे पहले भी एसडीआरएफ टीम ने आरोहण किए हैं लेकिन ये सबसे कठिन और दूरस्थ ट्रैक था। सूर्यकांत उनियाल के पीछे। और राज्य की बीजेपी सरकार ने राजधानी में 47 दिनों के अंदर डकैती की 2 वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी की कानून व्यवस्था फेल, 47 दिन में डकैती की 2 बड़ी वारदात, विभाग मीटिंग और प्लानिंग में फंसा। किसी भी राज्य की राजधानी से पूरे राज्य के हाल और हालात का पता चल जाता है। दूर में लूटपाट चोरी के बाद अब डकैतों का तांडव चल रहा है। ये बात अलग है कि जिले के एसएसपी से लेकर एडीजी की मीटिंग सिर्फ नसीहतें और एक्शन लेने की बात तक ही सिमट कर रह जाती है। दरअसल पुलिस ने डालनवाला के साकेत कॉलोनी में 47 दिन पहले हुई डकैती को लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई, जिसके बाद 48वें दिन डकैत सीधे सीएम के विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। हर्रावाला के सिद्ध विहार में 3 घंटे तक हथियार असलहों से लैस डकैतों ने अपना डेरा जमाए रखा। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। इस घटना से पुलिस में खौफ तो है क्योंकि घटना सीएम के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन एक्शन या फिर जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की गई है। बिल्कुल विफलता है पुलिस की। पुलिस द्वारा कोई, हमें तो नहीं लगता, एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जनता बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। और पुलिस का काम केवल जो है चलान मौके पे ये गाड़ियों के चलान काटना और पार्किंग में जो चलान काटना और आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने के अलावा कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि पुलिस जो काम कर रही हो। एडीजी कानून व्यवस्था दावा कर रहे हैं कि घटना का खुलासा जल्द होगा। गंभीर घटना को देखते हुए टीमों का गठन कर दिया गया है।
कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, एक स्केच भी एक बदमाश का जारी किया गया है, क्योंकि बाकी के मुंह बंधे हुए थे और एक का खुला था, उसके आधार पर स्केच जारी हुआ है। जो आसपास के हमारे दूसरे राज्यों के जनपद हैं उनके अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, और जो मॉडस ऑपरेंडी है अपराधियों की, उसके आधार पर कौन सा गैंग है उसकी जानकारी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े दावों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है और क्या कदम उठा रहा है, ये सवाल बना हुआ है। राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान ही सीएम की विधानसभा में डकैतों की एंट्री हो गई। सवाल ये है कि क्या राज्य की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि राजधानी में दो दो डकैतियां पड़ रही हैं, या फिर पुलिस को कुछ काम करने की बजाय सिर्फ चालान काटने और काली वर्दी यानी सीपीयू पर इतराने का ही वक्त है। बहरहाल जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में क्या 100% टॉलरेंस की स्थिति बनी है, या वास्तव में दूसरी डकैती की घटना के बाद किसी पर कोई एक्शन तय किया जाएगा। कैमरामैन गौरव पंत के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस।